पिछली क्लास में हमने विशिष्ट बालकों में मानसिक रूप से विशिष्ट बालक जिसमें पहले बालक के बारे में पढ़ा था, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली जो बालक है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, उसकी परिभाषाओं के बारे में, अर्थ के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, उनकी विशेषताओं, उनकी पहचान, उनकी समस्याएँ और उनकी शिक्षा, उन सभी के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मानसिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं उसमें दूसरे बालक जो है वो है सृजनशील बालक। अब सृजनशील जो बालक है उनको पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पढ़ना है कि सृजनात्मकता क्या होती है, क्योंकि सृजनशील जो बालक है उनके अंदर एक गुण होता है सृजनात्मकता का, तो उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की कक्षा में हम बात करेंगे सृजनात्मकता के बारे में कि क्रिएटिविटी क्या होती है। तो देखिए सृजनात्मकता क्या है, ये जो शब्द है सृजनात्मकता ये अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करने की योग्यता या फिर किसी भी नई चीज की रचना करना। अब देखिए दूसरे अर्थ में इसे कह सकते हैं कि क्रिएट, यानी क्रिएट का जो अर्थ है वो एक क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया, किसी भी नई वस्तु का बनाना या मौलिक रूप से उत्पन्न होना क्या कहलाता है, क्रिएट कहलाता है। तो दो प्रकार से आप सृजनात्मकता के अर्थ को समझ सकते हो, पहला निर्माण करने की योग्यता या फिर बनाना या मौलिक रूप से उत्पन्न होना। अब देखिए सृजनात्मकता जो शब्द है इसके समानांतर हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे विधायकता, उत्पादन, रचनात्मकता, डिस्कवरी, ये जितने भी शब्द है इनका प्रयोग हम किसके समानांतर कर सकते हैं, सृजनात्मकता है। सामान्यतः देखिए वैज्ञानिक, चित्रकार, कवि, संगीतकार, लेखक, इन लोगों के लिए कहा जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये सृजनशील व्यक्ति होते हैं, ये सामान्य तौर पर कहा जाता है। अब देखिए हम ये समझते हैं कि सृजनात्मकता है वो होता क्या है। देखिए सृजनात्मकता जो है वो एक अद्भुत कला है जो कि व्यक्ति के स्वभाव में पाई जाती है। व्यक्ति के स्वभाव में ये जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। तो आप देखिए ये एक कला होती है, किस प्रकार की कला, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जो काल्पनिक विचार होते हैं उन विचारों को वह है वास्तविकता के धरातल पे साकार रूप देने का जो प्रयास करता है और जिस माध्यम से वो रूप दे पाता है वो होती है सृजनात्मकता। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या करता है कि बिल्कुल ही भिन्न, बिल्कुल ही नई किसी चीज की रचना करता है जो इससे पहले उसका कोई निर्माण हुआ नहीं है और वो एकदम विपरीत है, बिल्कुल ही अलग है। तो ये निर्माण जिसके द्वारा होता है वो सृजनात्मकता के द्वारा होता है। अब देखिए सृजनशीलता के द्वारा व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा वैज्ञानिक, लेखक, कवि, ये जितने भी व्यक्ति हैं इनका जो ये विकास होता है ये किस गुण की वजह से होता है, सृजनात्मकता की वजह से ही होता है। कि जो व्यक्ति होते हैं अब ये जो अपना वैज्ञानिक है आविष्कार कर पाते हैं, कवि जो है वो अच्छी कविताएं एकदम नई विचार उनको लिख पाते हैं, लेखक लेख के द्वारा अपने नए विचारों को प्रदर्शित करता है, ये जिस गुण के माध्यम से वो करते हैं वही क्या है, सृजनात्मकता है। देखिए हम नॉर्मल जीवन में इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। देखिए छोटा बालक है वो कागज से नाव बना देता है, कभी घोड़े का कोई आकार बना देता है, तो उसके अंदर कौन सी कला है, कौन सा गुण है, वो सृजनात्मकता है। एक बालक मिट्टी से घर बना देता है और वही बालक अगर बड़ा होता है तो बाद में देखिए वो बिल्डिंग का काम बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो ये उसके अंदर जो तत्व है वो क्या है, सृजनात्मकता का तत्व है। अगर हम घर की बात करते हैं तो जो महिलाएं होती है समझ लीजिए कोई वेस्ट कपड़ा है तो उन वेस्ट कपड़ों को जोड़कर वो एक कैरी बैग बना देती है। जब वो खाना बनाती है तो एक ही आइटम को वो 25 तरह की वैरायटी से बना के खिला देती है, तो ये कौन सा तत्व है उनके अंदर, सृजनात्मकता का तत्व है। अब जो देखो आविष्कार होते हैं, आविष्कार जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, पहली बार वो बनाए जाते हैं, एकदम नई चीज आती है, जैसे भाप इंजन का बनना, कंप्यूटर का बनना, या फिर आप बहुत सारी मशीनों को देखते हैं जो बनती है, ये कौन से गुण से बन रही है, किस तत्व से बन रही है, सृजनात्मकता की वजह से, जिससे कि बहुत सारे लोगों का जो काम है वो बहुत सरल हो जाता है। तो ये जो आइडियाज है नए इन्वेंशन के तो ये किस प्रकार आते हैं, सृजनात्मकता से आते हैं। लेखक या कवि इतने सुंदर सुंदर विचार व्यक्त करता है अलग अलग मुद्दों के ऊपर या अलग अलग जो तथ्य दिए जाते हैं उनके ऊपर, तो वो जो विचार होते हैं बिल्कुल जो एकदम मौलिक होते हैं, नए होते हैं, ये कौन सा तत्व है जिसके द्वारा वो इन सब चीजों को, इन कार्यों को पूरा कर पाते हैं, वो होती है सृजनात्मकता। और एकदम देखिए आपको मैं एक बहुत अच्छा
उदाहरण बताती हूँ, मोबाइल। मोबाइल जो हर व्यक्ति के पास आप देखोगे, सबके पास मोबाइल पाया जाता है। अब देखिए मोबाइल के द्वारा आप यहाँ बैठे देखिए किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को भी देख सकते हो, उससे बात कर सकते हो। ये एकदम नया आइडिया था कि जिससे लोगों को जोड़ा गया। इसके अंदर आप जो फेसबुक व्हाट्सएप का यूज करते हैं, ये सब क्या है, ये क्रिएटिविटी का ही माध्यम से ही सब कुछ संभव हुआ है। आप घर बैठे कैब मंगवा सकते हो, कहीं भी बाहर जा सकते हो, घर बैठे खाना मंगवा लेते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हो। ये जितनी भी सुविधाएं हैं, ये जिसने भी इजाद की है, उस व्यक्ति के अंदर कौन सा तत्व है, कौन सा गुण है, वो क्या है, वो सृजनात्मकता है। तो देखिए सृजनशील जो व्यक्ति होते हैं, ये बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति होते हैं। किसी भी राष्ट्र और किसी भी देश की जो प्रगति होती है, वो इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि देखिए नए विचार, नए आविष्कार, नई चीजों को लाना, वही तरक्की के मदद होती है, और तरक्की इसी से होती है किसी भी राष्ट्र और देश की। तो सृजनशील व्यक्ति है जो देश को तरक्की दिलाते हैं। और ऐसी आवश्यकता सबसे पहले जब फील हुई वो कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, कि सृजनशीलता होनी बेहद आवश्यक है क्योंकि इसी के ऊपर पूरे राष्ट्र का विकास निर्भर करता है। तो इसके बाद से सृजनात्मकता जो विषय है उसमें मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा जो शास्त्री है उन सभी ने इसके ऊपर जोर दिया और सृजनात्मकता के बारे में गहन अध्ययन किया जाना शुरू हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सृजनात्मकता होती क्या है। देखिए किसी भी व्यक्ति की जो काल्पनिक विचार होते हैं वो उनको मूर्त रूप देने के प्रयास करता है, जिस कला के द्वारा, जिन नई चीजों और भिन्न चीजों की वो रचना कर पाता है, जिस तत्व के द्वारा, वही क्या होती है, सृजनात्मकता। तो आइए अब बात करते हैं हम सृजनात्मकता की परिभाषाओं पर। पहली परिभाषा है सी बी गुड के अनुसार, सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सातत्य यानी सातत्व का मतलब होता है गतिशीलता का भाव। तो यानी किसी विस्तृत विचार का जो गतिशील भाव का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कारक कौन कौन से हैं, सहचार्य, आदर्शात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्य, लोच तथा तार्किक विकास योग्यता। ये सभी तत्व मिलकर क्या बनती है, सृजनात्मकता बनती है। ये किसके अनुसार है, सी वी गुड के अनुसार। अगली और बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा देखिए स्टैन की, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तथा उपयोगी हो। देखिए जो भी आप कार्य कर रहे हो उसका परिणाम क्या होना चाहिए, नवीन, मौलिक होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने जो भी रचना की है वो क्या होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, तभी क्या है वो सृजनात्मकता है। स्किनर के अनुसार देखिए सृजनात्मक चिंतन का अर्थ व्यक्ति की भविष्यवाणी, निष्कर्ष, नवीन, मौलिक व असाधारण से है। जब व्यक्ति कोई भविष्यवाणी कर देता है अपने इसी गुण के कारण, कोई निष्कर्ष निकाल देता है नया और मौलिक और असाधारण पुस्तक की रचना कर देता है, तो वही क्या है, सृजनात्मक चिंतन है। इसके अनुसार, स्किनर के अनुसार देखिए प्रो एंड क्रो ने क्या कहा है सृजनात्मकता के बारे में। सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ध्यान दीजिए मानसिक क्रिया कहा गया है सृजनात्मकता को, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, काल्पनिक विचार ही तो होते हैं सबसे पहले, जो अपने मस्तिष्क के माध्यम से वो क्रिया करता है, उसके बाद वो उसको वास्तविक धरातल पर एक साकार रूप प्रदान करता है। वो मूर्त, अमूर्त, शाब्दिक, अशाब्दिक कोई भी रूप प्रदान कर सकता है, लेकिन जो शुरुआत होती है वो क्या है, मानसिक क्रिया है, क्योंकि वो कल्पनाओं के द्वारा ही सृजनशीलता को उत्पन्न करता है। तो ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। अब देखिए प्लेटो ने सृजनात्मकता को क्या कहा है, देवी प्रेरणा कहा है। नीचे कहा है पागलपन, कि सृजनात्मकता क्या है, पागलपन है। किसी भी चीज को आप पागलपन से जो करते हो, कुछ नया बना देते हो, क्या है, सृजनात्मकता है। किसने कहा है, नीचे ने कहा है। रॉजर वेस्टीन ने क्या कहा है सृजनात्मकता को, उत्पादन कहा है। तो देखिए ये थी महत्वपूर्ण परिभाषाएं सृजनात्मकता की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है सृजनात्मकता का, और इससे आपके लगभग जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें ये सब टॉपिक आता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। इसके मुख्य चार तत्व हैं,
क्या करते हैं हम, मौलिकता। मौलिकता को आप विधायकता भी कह सकते हो और उत्पादन भी कह सकते हो। दूसरा तथ्य है प्रवाहिता, या इसको हम धारा प्रवाह कह सकते हैं। तीसरा मुख्य तत्व है लोचशीलता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
कॉर्ड में, गिलफोर्ड ने भी सृजनात्मकता के तत्व दिए हैं। अब देखिए गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के जो मुख्य तत्व है वो कौन से हैं? पहला है तत्काल स्थिति से दूर जाने की योग्यता। तीसरा है सामंजस्य और चौथा है अन्यों के विचारों में परिवर्तन। देखिए गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता की जो मुख्य तत्व है वो ये चार है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तत्व पर जो है तत्काल स्थिति से दूर जाने की योग्यता, यानी कि कोई व्यक्ति जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे जाके सोचे और कोई कल्पना करे और उस कल्पना और विचारों को मूर्त रूप प्रदान करे तो उसको हम क्या कहेंगे? सृजनात्मकता। यानी आप पहले से ही किसी आगे की चीजों की प्लानिंग करके वर्तमान में उसको मूर्त रूप देते हो, वो जिस आप तत्व से देते हो वो क्या है? सृजनात्मकता। दूसरा देखो समस्या की पुनर्व्याख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सृजनात्मकता की, कि अगर कोई व्यक्ति सृजनशील है तो वो समस्या की पुनर्व्याख्या कर सकता है। जैसे एक व्याख्याता, लेखक, नेता, ये किसी भी एक बात को अपने नए तरीके से भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। अब जैसे देखिए मनोवैज्ञानिक ने, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता की परिभाषा दी है। यदि आपके अंदर सृजनात्मकता का तत्व है तो आप उसकी एक नई परिभाषा भी दे सकते हो, यानी समस्या की पुनर्व्याख्या भी आपके द्वारा की जा सकती है। तो कौन सा गुण होता है? सृजनात्मकता, सामंजस्य। देखिए सामंजस्य, सामंजस्य वो होता है कि जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समाज में या वातावरण में अपने तर्क के द्वारा या अपने प्रासंगिक विचारों के द्वारा जब सामंजस्य स्थापित करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सामंजस्य। और ये कौन कर सकते हैं? ये वही कर सकते हैं जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं। अंतिम देखिए अन्य के विचारों में परिवर्तन। जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं उनके पास बहुत सारे विचार, बहुत सारे तर्क, बहुत सारे उनके प्रसंग होते हैं, उनके द्वारा वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों के द्वारा अपने विचारों को प्रमाणित कर सकते हैं और उनके विचारों को बदल सकते हैं। ऐसी क्षमता होती है सृजनशील व्यक्तियों के अंदर, यानी अन्यों के विचारों में भी परिवर्तन ला सकते हैं। कौन से व्यक्ति? जो कि सृजनशील होते हैं, क्योंकि वो विभिन्न तरीकों से और विभिन्न बातों के द्वारा उन्हें एक नए तर्क के द्वारा चीजों को समझा सकते हैं और उन्हें उनके विचारों से परिवर्तित करा सकते हैं। तो ये है गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के मुख्य तत्व। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।